नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0111-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। 5 सीटर एसयूवी सेगमेंट आज की डेट में भारत का सबसे हॉट सेगमेंट है और दिन ब दिन इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा गहरा और बढ़ता जा रहा है। इस सेगमेंट में इंडियन कंज्यूमर के लिए ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हर एक कंपनी कम से कम अपना एक प्रोडक्ट इस सेगमेंट में बेचना चाहती है। इस सेगमेंट की वजह से इंडिया में मिड साइज सेडान का सेगमेंट और उसकी सेल्स बहुत ही बुरी हालत में है। आजकल जिसे देखो वो हर कोई एसयूवी ही लेना चाहता है। टाटा हैरियर जब लॉन्च होने वाली थी तो उस वक्त ये इंडिया की मोस्ट अवेटेड कार थी और ये कई सारे सेगमेंट फर्स्ट एंड बेस्ट इन क्लास फीचर्स के साथ लॉन्च हुई थी। लेकिन इमीडिएटली कुछ ही समय बाद एमजी ने अपना पहला प्रोडक्ट हेक्टर के रूप में भारतीय बाज़ार में उतारा। हेक्टर को एमजी ने लगभग हैरियर जितनी ही प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया था लेकिन विथ मच बेटर फीचर्स, और उसके बाद चेरी ऑन टॉप बाकी की बची कुछ कसर किया की सेल्टॉस ने पूरी कर दी थी। अब तक इंक्लूडिंग माईसेल्फ जिनको भी हैरियर लॉन्च होने से पहले एक अजूबा लग रही थी, वही हेक्टर और सेल्टॉस के लॉन्च होने के बाद कई सारे लोगों ने इसमें कई सारी कमियों के लिए इसकी आलोचना भी की है। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। आज जब टाटा हैरियर और हेक्टर सन 2020 में BS6 इंजन के साथ आ गए हैं और इस बीते समय में टाटा ने हैरियर पर बहुत ज़्यादा काम करके कुछ कमियों को दुरुस्त यानी कि रेक्टिफाई भी किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं टाटा हैरियर और MG हेक्टर इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने वाला हूं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको टाटा हैरियर लेनी चाहिए या फिर MG की हेक्टर। इस वीडियो में हम दोनों ही गाड़ियों को केवल डीजल मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट को ही कंपेयर करेंगे क्योंकि MG हेक्टर डीजल में ऑटोमेटिक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हैरियर में डीजल ऑटोमेटिक आ जाता है, वहीं टाटा हैरियर पेट्रोल में अवेलेबल नहीं है। इसी की वजह से हम केवल डीजल टॉप एंड वेरिएंट को मैनुअल वर्जन को कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों गाड़ियों में कौन से कॉमन फीचर्स मिलते हैं और वो कौन से फीचर्स हैं जो आपको हैरियर में मिलते हैं लेकिन हेक्टर में नहीं मिलेंगे, तथा वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको हेक्टर में मिल जाते हैं लेकिन हैरियर में नहीं मिलेंगे, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। क्या टाटा ने पुराने हैरियर में जो भी कमियां छोड़ी थी उनको सन 2020 में रेक्टिफाई किया है या नहीं? क्या हेक्टर आपको लगता है हैरियर से एक बेहतर प्रोडक्ट है? आपके जहन में भी अगर ऐसे कुछ सवाल है तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग से। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। MG हेक्टर का डीजल मैनुअल टॉप एंड वेरियंट आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 17,73,000 रुपये तक, यानी कि 17,73,000 रुपीज़ तक।
वहीं टाटा हैरियर का डीजल मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 18,75,000 रुपए का, यानी कि 18,75,000 रुपीज तक, जो कि हेक्टर से लगभग 1,02,000 रुपए महंगा है। वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि क्या टाटा हैरियर इस एक्स्ट्रा 1,02,000 रुपए की प्राइस को जस्टिफाई करती है। लिखना मत भूलिएगा। मुझे लगता है अगर टाटा को इस सेगमेंट पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत बनानी है और इस पर राज करना है तो हैरियर की कीमत में भारी कटौती करनी चाहिए, वरना जब 7-सीटर के रूप में ग्रेविटास लॉन्च होगी तो उसकी कीमत आसमान चूम चुकी होगी और वो इनोवा क्रिस्टा को कभी भी कड़ा मुकाबला नहीं दे पाएगी। इस प्राइस का खामियाजा कहीं ग्रेविटास को ना भुगतना पड़ जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टाटा हैरियर की लेंथ है 4,598 mm, वहीं हेक्टर की लेंथ है 4,655 mm, जो कि हैरियर से 57 mm ज़्यादा है। टाटा हैरियर की विड्थ है 1,894 mm, जो 59 mm ज़्यादा है हेक्टर की 1,835 mm विड्थ से। टाटा हैरियर की हाइट है 1,706 mm, वहीं हेक्टर की हाइट है 1,760 mm, जो कि हैरियर के मुकाबले 54 mm ज़्यादा है। टाटा हैरियर का व्हील बेस है 2,741 mm, वहीं हेक्टर का व्हील बेस है 2,750 mm, जो कि 9 mm ज़्यादा है हैरियर के व्हील बेस के मुकाबले में। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हेक्टर टाटा हैरियर से ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा ऊंची है, वहीं हैरियर MG हेक्टर से ज़्यादा चौड़ी है। चलिए अब दोनों गाड़ियों के कर्ब वेट के बारे में, यानी कि वज़न के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे जानकर आप कुछ हद तक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि दोनों गाड़ियों में बेहतर बिल्ड क्वालिटी किसकी है। MG हेक्टर का वज़न है 1539 किलोग्राम से लेकर 1687 किलोग्राम तक, वहीं टाटा हैरियर का वज़न है 1650 किलोग्राम से लेकर 1675 किलोग्राम तक। चलिए अब लगे हाथों दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। टाटा हैरियर में आपको मिलता है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो 13 mm ज़्यादा है हेक्टर में मिलने वाले 192 mm ग्राउंड क्लियरेंस से। यहाँ पर एक और बात मैं आप सभी को आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग 5.8 mm का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब जानते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो टाटा हैरियर में आपको मिलता है 425 लीटर का बूट स्पेस, वहीं MG हेक्टर में आपको मिलेगा 587 लीटर का बूट स्पेस। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जहां तक बात है दोस्तों, तो हैरियर में आपको मिलता है 50 लीटर का फ्यूल टैंक और हेक्टर में आपको मिलता है 60 लीटर का फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की हम बात कर ही रहे हैं तो लगे हाँ तो माइलेज की भी बात कर लेते हैं। तो टाटा हैरियर में आपको मिलेगा 17 KMPL का माइलेज, वहीं हेक्टर में आपको मिलेगा 17.41 KMPL का माइलेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द व्हील्स और बात कर लेते हैं अलॉयस के बारे में। टाटा हैरियर और MG हेक्टर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स। चलिए अब बात कर लेते हैं इंजन्स के बारे में। एंड आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि टाटा हैरियर और MG हेक्टर दोनों ही गाड़ियों में आपको फीएट सोर्स 2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जिसे आप ऑलरेडी जीप कंपास में भी देख चुके हैं, जो 170 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 3750 rpm पर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 2500 rpm पर। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से, जो कि है दोनों गाड़ियों में आपको मिलेगा 17 इंचेस का अलॉय व्हील। उसके बाद में आपको दोनों गाड़ियों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। MG हेक्टर में आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, वहीं हैरियर में आपको ज़ेनॉन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको ड्यूअल फंक्शन LED DRLs भी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ आपको फॉग लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियां आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड ORVMs अलॉन्ग विद टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी देती हैं। फ्रंट एंड रियर में दोनों ही गाड़ियों में आपको स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी।
दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर स्पॉइलर मिलता है और वहीं ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर में एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर की जहां तक बात है, दोनों गाड़ियों में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा अलोंग विथ लेदर रैप गियर नॉब। दोनों गाड़ियों में आपको 7 इंचेस का कलर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाएगा ड्राइवर के लिए। दोनों गाड़ियों की सीट्स की अगर हम बात करें तो उनमें आपको लेदर सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी, पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर स्टीयरिंग मिलती है अलोंग विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑप्शंस। दोनों गाड़ियों में आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है अलोंग विद फुल्ली ऑटोमेटिक एसी एंड रियर एसी वेंट्स। दोनों गाड़ियों की पीछे वाली सीट पर आपको रियर आर्मरेस्ट मिलेगा अलोंग विद कप होल्डर्स। ड्राइवर सीट की जहां तक बात है, दोनों गाड़ियों में आपको 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे। दोनों गाड़ियों में आपको ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है स्टोरेज स्पेस के साथ में, जिसके अंदर आपको एक 12V पावर चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर देखने को मिल जाते हैं, पावर टेलगेट देखने को मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, उसके साथ साथ आपको फ्रंट फॉग लैंप विद कॉर्नरिंग का फीचर भी दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। दोनों ही गाड़ियां आपको रियर पार्किंग सेंसर एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ में आती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं। आगे अगर मुड़ते हैं तो दोनों गाड़ियों में आपको ABS मिलेगा, EBD मिलेगा और ब्रेक असिस्ट मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर। एयरबैग की जहां तक बात है, दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये थे वो 34 फीचर्स जो दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं MG हेक्टर में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको टाटा के हैरियर में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से, जो कि है एक्सटीरियर में आपको हेक्टर में मिल जाते हैं रूफ रेल्स, जो हैरियर में देखने को नहीं मिलेंगे। MG हेक्टर में आपको 8-color एम्बियंट मूड लाइट मिल जाएगी, जो हैरियर में देखने को नहीं मिलेगी। MG हेक्टर में आपको जो ग्लव बॉक्स है वो कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। MG हेक्टर में आपको 4-way पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट मिलेगी। नेक्स्ट इज MG हेक्टर में आपको ऑल विंडोज डाउन विथ रिमोट की का फीचर भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा MG हेक्टर एक इंटरनेट कार होने की वजह से इट कम्स विथ लॉट ऑफ कनेक्टेड कार फीचर्स, जैसे कि फाइंड माई कार, रिमोट सनरूफ ओपन एंड क्लोज, वॉइस रिकग्निशन एंड मोर देन 100 वॉइस कमांड्स, व्हीकल स्टेटस चेक सिस्टम ऑन ऐप सच एज टायर प्रेशर एंड सिक्योरिटी अलार्म एंड मच मोर। MG हेक्टर में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। MG हेक्टर के चारों ब्रेक्स आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। साथ में आपको आता है 360 डिग्री व्यू कैमरा, हीटेड ORVMs भी आपको हेक्टर में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर लगभग ये 12 फीचर्स थे जो आपको MG हेक्टर में मिल जाते हैं लेकिन हैरियर में देखने को नहीं मिलते। नाउ लेट्स मूव ऑन और बात कर लेते हैं उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको टाटा हैरियर में मिलते हैं लेकिन MG के हेक्टर में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, तो टाटा हैरियर में आपको मिलते हैं जेनॉन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वहीं हेक्टर में आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। टाटा हैरियर में आपको 6-way एडजस्टेबल पावर ड्राइवर सीट मिलती है अलॉन्ग विथ लंबार सपोर्ट। लंबार सपोर्ट का ऑप्शन MG हेक्टर में आपको नहीं मिलता है। इसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM भी मिल जाता है जो हेक्टर में नहीं मिलेगा। आपको एक फ्रंट आर्मरेस्ट भी मिलता है हैरियर में, जो कि MG हेक्टर में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि टाटा हैरियर में आपको ये कूल्ड मिल जाता है। अगला फीचर जो आपको हैरियर में मिलता है वो है रोल ओवर मिटिगेशन। साथ में आपको मिल जाता है कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम, उसके बाद आपको मिलेगा ब्रेक डिस्क वाइपिंग का फीचर, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिलेगा हैरियर में। हैरियर में आपको कई सारे मल्टी ड्राइव मोड्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको हैरियर में ESP टेरेन रिस्पॉन्स मोड भी मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल का ऑप्शन भी आपको हैरियर में मिलता है। हैरियर में आपको हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, वही हेक्टर में आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट का फीचर तो मिलता है लेकिन वो हाइड्रोलिक नहीं मिलता। उसके बाद में आपको हैरियर में मिलेगा डायनेमिक व्हील टॉर्क बाय ब्रेक एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हाइड्रोलिक फीडिंग कॉम्पेंसेशन। कुल मिलाकर ये 15-16 फीचर्स हैं जो आपको हैरियर में मिल जाते हैं लेकिन हेक्टर में नहीं मिलते। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो टाटा हैरियर में आपको 2 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है,
वहीं MG Hector में आपको मिलेगी 5 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी। साथ में MG आपको देता है 5 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर रोड साइड असिस्टेंस, 5 लेबर फ्री सर्विसेज, और इस पे चेरी ऑन टॉप MG आपको ऑफर करता है 3 साल के बाद में 60% बायबैक का गारंटी ऑफर। अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हैरियर में हमें बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ एक टैंक के जैसा लोहे का बदन मिलता है, उसके मुकाबले में Hector की बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है। Hector में आपको थोड़ा एवरेज अच्छा मिल जाता है, बूट स्पेस बेहतर मिलता है जो कि 162 लीटर ज़्यादा है हैरियर में मिलने वाले 425 लीटर के बूट स्पेस के मुकाबले में। Hector में आपको कई सारे इंटरनेट कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, इंटरनेट कार मिलती है, 100 से ज़्यादा वॉइस कमांड मिलते हैं, वहीं हैरियर में आपको ओमेगा बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। दूसरी ओर हैरियर में आपको केवल 2 ईयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करता है, वहीं Hector के साथ आपको 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, 5 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर रोड साइड असिस्टेंस, 5 लेबर फ्री सर्विस और 3 सालों के बाद में 60% बायबैक गारंटी का ऑफर मिलता है। हैरियर में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है, लेकिन उसमें आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है। Hector में आपको डीजल में केवल मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है, कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन Hector में आपको पेट्रोल भी मिल जाता है, उसी के साथ साथ आपको मैनुअल में और DCT भी मिल जाता है, प्लस पेट्रोल में आपको हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिल जाता है। प्राइस के मामले में हैरियर 1,02,000 रुपये महंगी आती है, वारंटी भी कम ऑफर करती है और कई सारी जगहों पर फीचर के मामले में ये Hector से पीछे छूट जाती है। आपको क्या लगता है कि हैरियर अपनी 1,02,000 रुपये की एक्स्ट्रा प्राइस को जस्टिफाई कर पाई है? मेरे हिसाब से Hector यहाँ पर क्लियर विनर साबित होती है, क्योंकि Hector एक रिच लुकिंग कनेक्टेड फीचर लोडेड जिसमें कई सारे हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में मॉडर्न एज और अप मार्केट कार लगती है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप दोनों में से अपने लिए जो चाहे वो कार चुन सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों गाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपको क्या लगता है कि आज की इस वीडियो में हैरियर जीती हैं या Hector, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।